दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो सेक्स अपने यहाँ ऐसा मुद्दा है कि मतलब या तो लोग सीधे आंखें ऊपर कर लेते हैं या तो राम 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 ऐसे करते हैं। लेकिन अब चेंज हो रहा है सर, ये जब से मतलब मैंने महसूस किया है यूपी में खासतौर पर, जब से एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनी है सेक्स को गहरी चोट लगी है। तो लेकिन अदिति इन्हीं मुद्दों पर जिनको आप राम राम वाले कहते हैं इसे बहुत भयानक कॉमेडी करती हैं और इसे मतलब आपको सोच के अजीब लगेगा कि ऐसे सब्जेक्ट्स चुन लेती हैं और मतलब कैसे इनका चुनाव करती है और कैसे तैयारी करती है। मतलब मैंने आपका नेटफ्लिक्स पे देखा शो, एक घंटे का है, कैसे होती है इसकी तैयारी जी? तो पहले तो आई मीन चूजिंग थिंग्स लाइक सेक्स इट्स प्राइमरीली बिकॉज और जब हमने कॉमेडी शुरू की थी तब इंटरनेशनल कॉमिक्स आते थे, यू नो, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, और मतलब इंडियन ऑडियंसेस के लिए परफॉर्म करते थे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ कॉमेडी इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो बैकग्राउंड है उस जोक का या उस बात का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो इंटरनेशनल कॉमिक्स आते थे हमेशा सेक्स के बारे में बात करते थे क्योंकि उनके पास और कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं। मतलब उनको क्या पता था, यू नो, एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में या डिमोनेटाइजेशन के बारे में। तो वो आके सेक्स की बातें करते थे एंड आई यूज टू सी, बाय द वे, हमारी इंडियन ऑडियंसेस जो सेक्स की बातों पर तालियां बजाती हैं, बाय गॉड वैसा कोई नहीं रिस्पॉन्ड करता। एंड हम बेशरम हैं। वी डिड नॉट ऑटोमेटिकली बिकम 1.3 बिलियन पीपल। वो मतलब अपनी मतलब दुआओं से नहीं बने बच्चे, ठीक है ना? आंसू निकले होंगे किसी के तो बने होंगे शायद। हाँ, जैसे कि पीकॉक के आंसू। आई एम लाइक, कैन यू इमेजिन जस्ट अ बेबी पीकॉक हु इज लाइक, यार मम्मी हाउ वाज आई बॉर्न? मम्मी इज लाइक, ना उस दिन डैड टाइटैनिक देख रहे थे या बागबान, आंसू निकल गए तो मैंने हड़प लिया, या बागबान देख रहे होंगे, बागबान देख रहे थे। तो इसलिए तो मैंने देखा कि एंड जी, एंड मैं आपको बात, सच्ची बात तो ये है कि हम बहुत ही मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स द वन थिंग दैट एवरीवन इज मोस्ट क्यूरियस अबाउट। इन्होंने पूरी किताब पढ़ी एक फोटो के चक्कर में, सेक्स, हाँ, क्योंकि सेक्स होगा शायद। तो मतलब हम क्यूरियस हैं एंड That's why I was like, यार उसको प्रोसेस करना है और if I wanted to be listened to without being labeled a pervert, I said कि मैं उसमें जोक ही बना लेती हूँ, देखते। दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि वो किताब मैंने पढ़ी नहीं, मुझे लगा इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूँ, कुछ है नहीं। और दूसरी बात है कि जो बाहर के कॉमेडियंस आते थे उनको आप कह रहे थे ना वो सेक्स की बातें करते थे क्योंकि उनको क्या पता यहाँ का क्या है डिमोनिटाइजेशन या जो भी है, पर एक्चुअली डिमोनिटाइजेशन का तो यहाँ पे भी किसी को नहीं पता। दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, कि ये क्या है, ये क्या चीज है, क्यों हुआ है। तो अब वो इस पे भी जोक बनने लग रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इस बात पे।